जुलाई 2024 कैसा रहेगा हर नंबर वालों के लिए, किन डेट ऑफ बर्थ के लिए ये मंथ अच्छा है, किसके लिए ये चैलेंजिंग है और किसके लिए ये न्यूट्रल है। इन डेट्स पे अगर स्पेसिफिक अगर कोई काम आप इनिशिएट करते हैं तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। नमस्ते, राधे राधे। चलिए अब बात करते हैं कि जुलाई 2024 कैसा रहेगा सारे हर नंबर वालों के लिए, किन डेट ऑफ बर्थ के लिए ये मंथ अच्छा है, किसके लिए ये चैलेंजिंग है और किसके लिए ये न्यूट्रल है। देखिए, न्यूमरोलॉजी के प्रिडिक्शन का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि आपको कैसे चीज़ों को लीड करनी है। सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताया जाता कि हाँ ये अच्छा है ये खराब है, उसमें एक सॉल्यूशन भी देने की कोशिश होती है कि ठीक है अगर आपका मंथ अच्छा है तो इन इन डेट्स पे आप काम करेंगे, इन डेज पे आप काम करेंगे तो वो आपके लिए और फ्रूटफुल होगा। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है हम लोग जुलाई 2024 का प्रेडिक्शन देखते हैं। तो किसके लिए ये मंथ अच्छा है, जितने भी लोग एक नंबर की सीरीज जैसे 1, 10, 19, 28 इस पे पैदा हुए हैं, चाहे अगर आप नंबर दो वाले हैं 2, 11, 20 एंड 29, चार नंबर वाले अगर आप हैं 4, 13, 22 और 31, या फिर अगर आप सात नंबर वाले हैं 7, 16 एंड 25। ये जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताई, इस डेट पे किसी भी महीने में आप अगर पैदा हुए हैं तो जो आने वाला महीना जुलाई 2024 है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। ऑस्पिशियस अगर पीरियड की मैं बात करूं तो जुलाई 6 से लेके जुलाई 21 जो ये जो पीरियड है ये अच्छा ऑस्पिशियस पीरियड है। ऑस्पिशियस पीरियड का क्या मतलब हुआ, कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करनी है, कुछ नया इनिशिएट करना है तो अगर आप इस पीरियड में करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम स्पेसिफिक डेट की बात करें कि स्पेसिफिक डेट किस डेट पे मुझे काम करना चाहिए, तो उसके लिए 7, 10, 11, 16, 19 और 20 जुलाई, ये जो डेट्स मैंने अभी बताए, इन डेट्स पे अगर स्पेसिफिक अगर कोई काम आप इनिशिएट करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मान लीजिए कि आप इस ऑस्पिशियस पीरियड या स्पेसिफिक डेट पे अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो उसके अलावा 25, 28, 29, 25, 28 और 29 जुलाई, ये भी आपके लिए अच्छे डेट्स हैं। इन डेट्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जब भी हमारे डेट्स, जो अच्छे डेट्स हमें मिलते हैं हमारे ऑस्पिशियस पीरियड में, तो हमें क्या करना चाहिए, उस दिन कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करनी चाहिए, कोई चीज़ जो हमें इनिशिएट करनी है, स्टार्ट करनी है, उस दिन के लिए उसको फिक्स करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो काम बहुत अच्छे से इनिशिएट या स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप कोई काम इनिशिएट या स्टार्ट करते हैं अपने ऑस्पिशियस डेट पे तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे के चला जाता है। अगर मैं ऑस्पिशियस डे की बात करूँ तो संडे और मंडे जो है इनके लिए अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। तो संडे और मंडे को जो है जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने किसी कार्य को करने के लिए करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जितने भी 1, 2, 4 एंड 7 सीरीज के लोग हैं वो अगर जो डेट्स मैंने बताई उन डेट्स पे, या फिर जो डेज मैंने बताया उन डेज पे अगर अपने कार्य को इनिशिएट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। देखिए, इसके अलावा जो 8 सीरीज के डेट हैं 8, 17, 26, जो 9 सीरीज के डेट हैं 9, 18 और 27, ये जो डेट ऑफ बर्थ के लोग हैं उनके लिए ये महीना उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, मे बी थोड़ा डिले हो सकता है, ऑब्स्टिकल मिल सकता है चीज़ों में। तो आपके लिए मंत्रा यही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेट गो करिए चीज़ों को, वेट करिए। जब आपका ऑस्पिशियस पीरियड आएगा, जब आपका ऑस्पिशियस मंथ आएगा, तो उस मंथ में जब अपने उस कार्य को आप इनिशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। नंबर 3, 5 एंड 6, इनके लिए जो ये मंथ है वो थोड़ा न्यूट्रल रहने वाला है, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत खराब, एक न्यूट्रल सा मंथ रहेगा, नॉर्मल तरीके से बीत जाएगा। तो इस मंथ में जो 3, 5, 6 के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी ना रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा बैक सीट पे रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उस तरीके से उसको आप करते रहिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आप करते रहिए, ये मंथ जो है न्यूट्रल है तो वो नॉर्मल तरीके से बीत जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आप 3, 5, 6 पे बॉर्न है, 8 और 9 पे बॉर्न है, और फिर भी आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है जिसको आप डिले नहीं कर सकते हैं आने वाले महीने
महीने से आगे डिले नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कुछ डेट्स बता देता हूं जिसको आप यूटिलाइज करेंगे तो चीजें सही डायरेक्शन में चली जाएंगी और आपका काम जो है बनना शुरू हो जाएगा। नंबर 8 वाले जो है वो 6 जुलाई 12 जुलाई और 14 जुलाई इन डेट्स पे अगर इनिशिएट करें तो जो है रिजल्ट अच्छा मिलने की चांसेस हैं और जो भी आप कार्य इनिशिएट करेंगे वो सही डायरेक्शन में जाने की उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। नंबर 3, 6, 9 वालों के लिए 6 जुलाई 12 जुलाई और 15 जुलाई ये जो है ये अच्छे डेट्स हैं, इन डेट्स पे वो अपने कार्य को इनिशिएट कर सकते हैं। नंबर 5 के लिए 6 जुलाई 15 जुलाई 19 जुलाई ये जो है ये अच्छे डेट्स हैं, इन डेट्स पे नंबर 5 वाले अपने कार्य को इनिशिएट कर सकते हैं। इस मंथ क्या रिचुअल हम करें जिससे हमारा लक फैक्टर इनहेंस हो, इस मंथ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम से कम हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो जब इस महीने की पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के दिन जितने भी नंबर वाले लोग हैं सारे लोग जो है मूनलाइट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। मूनलाइट क्या करेगा, आपकी बॉडी की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो ये रिचुअल जो है आप फॉलो कर सकते हैं ओवरऑल अपने लक फैक्टर को इन्हेंस करने के लिए, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। ये रहा इस महीने का जुलाई 2024 का प्रिडिक्शन सजेशन। इसको आप यूटिलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपके कार्य हैं वो जल्दी अति शीघ्र जो है वो कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। प्रिडिक्शन का मेरा ऐसा मानना है कि प्रिडिक्शन का पर्पस ये होना चाहिए कि आपको कोई टूल मिले कि जो समय आ रहा है उसको मैं कैसे टैकल करूं। इसीलिए इस फॉर्मेट में जो है इस प्रिडिक्शन को बनाया गया है वर्सेस कि थोड़े और उसको कॉम्प्लिकेटेड किया जाए जहाँ पे अननेसेसरी की जो डिटेल है वो शेयर किया जाए। तो डेट्स को अपने मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने डेट्स को, उसको यूटिलाइज करिए और आप देखेंगे ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 आपका लक फैक्टर इन्हेंस होता चला जाएगा। न्यूमरोलॉजी में पावर ऑफ कंसंट्रेशन करके एक कंसेप्ट है जहां पे जब हम अपने लकी डेट्स को यूज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा लक फैक्टर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।